वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज हम देखने वाले हैं म्यूजिक सिस्टम के बारे में, जो कि वैगनार में लगी है। वैगनार सीएनजी में एक म्यूजिक सिस्टम जो हमने लगाई है, मैंने मेरे कार में लगाई है, उसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं वूफर और पैनल और स्पीकर्स के बारे में और इसका आउटपुट के बारे में। गाइस देख सकते हैं, यह है सोनी XAV1500। ये पूरा टच स्क्रीन पैनल है और चार डोर स्पीकर है जो JBL के लगाए हैं। अभी मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ बेस दिखाने के लिए कि कार में वूफर कौन सा डाला है। सो लेट्स गो टू द बैक साइड ऑफ अ कार। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये सिलेंडर है और उसके ऊपर हमने जो है ये वूफर लगाया है। तो ये ट्रे का जो स्पेस है, ये बूट स्पेस है, आप यूज़ कर सकते हो आसानी से। इसके ऊपर आप सामान रख सकते हो। ये 3N ऑडियो का है और इस प्राइस रेंज में ये लगभग आपको 3000 तक आ जाएगा। और इसमें इनबिल्ट एम्पली है, सो ये आपको 3000 तक आ जाएगा। मैं साइड से बताता हूँ, ये इसका कवरिंग देखिए, ये बेस के ऊपर कवरिंग है, यहाँ पे वायरिंग है और यहीं पे जो है सीएनजी का किट का इंस्टॉलेशन है। सो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी फिटेड सीएनजी है और ये बेस जो है ये हमने बाहर से लगाया है। सो आप ये देख सकते हैं कि कितने आसानी से ये यहाँ पर फिट हो गया है। और इसके आउटपुट की भी हम बात करेंगे। पहले आप ये इसका बूट स्पेस देख लीजिए। बैक साइड में आपको ये कोई हैम्पर नहीं कर रहा है, ऊपर सामान रख सकते हैं, साइड में भी आप सामान रख सकते हैं। सो चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं इसके हम आउटपुट के बारे में कि ये बेस किस तरह हमें आउटपुट देता है, किस प्रकार का आउटपुट देता है। तो आइए गाइस, मैं आपको इस पैनल की सेटिंग्स भी बता दूंगा। फिलहाल हम आउटपुट की ओर चलते हैं, सेटिंग्स के बारे में मैं इसके बाद बताता हूँ। सो लेट्स हियर दिस फर्स्ट। गाइज ये इसका आउटपुट है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसका आउटपुट कैसे लगा। अब चलते सेटिंग की ओर, मैं आपको इसके सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। अगर आपने XAV सीरीज का सोनी का कौन सा भी आपने पैनल डाला, जैसे कि ये XAV1500 है, तो इसके आगे भी बहुत सारे पैनल्स अवेलेबल है, आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो चलते हैं इसकी सेटिंग की ओर, मैं आपको इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ। अगर ये एक्चुअली मैंने खुद की है और ये आउटपुट मुझे बहुत पसंद आया। जैसे कि आपने देखा अबाउट 30 भी वॉल्यूम था, 30-33 वॉल्यूम था, तो वो भी वो एकदम क्लियर कट आपका आउटपुट मिल रहा था, उसमें ज़रा सी भी कोई झिझक नहीं थी। तो चलिए साउंड की ओर बढ़ते हैं। तो साउंड के बाद आप ये जो एक्स्ट्रा बास वाला है, इस पर आप 1 रखेंगे या 0 रखेंगे या 2 भी रख सकते हैं, लेकिन 2 जो है वो बहुत हो जाएगा। वो मतलब शायद इसमें आपका जो क्रैकिंग, जो मेन वॉइस है म्यूज़िक का, वो थोड़ा क्रैक होने के चांसेस है। सो मैं 1 ही रिकमेंड करूँगा गाइज। इसके बाद सबवूफर, ये EQ सबवूफर का ये जो इक्विलाइजर है, ये तो बेसिक इक्विलाइजर है, ये मैंने खुद सेट किया है, आप इसमें देख सकते हो। यहाँ से आप वूफर ऑन ऑफ भी कर सकते हो। इस पैनल की यही खासियत है गाइज कि वूफर ऑन ऑफ करने का इसमें ऑप्शन आपको आसानी से मिल जाता है। नहीं आपको कौन सी सेटिंग लो करनी है कि आप कहीं नाइट लाइफ में ट्रैवल कर रहे हो और आपको लाउड म्यूजिक नहीं चाहिए, आप आपके घर वालों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, बहुत सारी ये दिक्कतें आती है। तो आप ये जस्ट सिंपली यहाँ से ऑफ करके, आपका बेस बंद करके, आप अपने जो चार डोर स्पीकर है उस पर भी आप ट्रैवल कर सकते हो। ओके, मैं भी ये ऑन करता हूँ। और फिलहाल ये जो है ये बेसिक सेटिंग है मैंने की है। इसके बाद ये इक्विलाइजर मैंने सेट किया है। बैक जाके हम देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस जो है, जो ये मिड में रखना है, ना लेफ्ट ना राइट ना फ्रंट ना रियर, ये मिड में रखना है, अच्छे आउटपुट के लिए ये ज़रूरी है। और इससे आप चेक भी कर सकते हो, ये भी टोटल टच स्क्रीन है गाइस, इससे आप चेक भी कर सकते हो कि आपका कौन सा स्पीकर चल रहा है नहीं चल रहा है, इनकेस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम दिक्कत आगे आती है। तो अभी चलते हैं क्रॉसओवर की तरफ। क्रॉसओवर गाइस, इसमें मैंने हाई पास फिल्टर जो है वो 120 पे सेट किया है, लो पास फिल्टर मैंने 120 में सेट किया है। अगर आपको बूमिंग साउंड चाहिए तो ये आप इसमें 80 या आप इसको 60 पे भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो बेस का जो आउटपुट है वो गाड़ी के अंदर बूमिंग वाला आएगा, और ये जो अगर आप 120 पे रखते हो तो आपको मिड और हाईस
और टोटल साउंड एकदम क्लियर आएगा। अगर आपको इनबिल्ट जैसे कि बेस का फील कराना है तो आप इसको 80 या फिर 60 पे कर दो। तो इसमें क्या है, बेस और अंदर का जो बूमिंग होता है ये साउंड बूम बहुत करेगा और आपको हाईज और मिड लो सुनने आएंगे। लेकिन ये अगर आप 120 पे रखते हो तो दे विल बी इक्वल और इसका जो आउटपुट है वो आपको एकदम क्लियर आएगा। सो मैंने इसको 120 पे रखा है फिलहाल के लिए। और ये सेटिंग मैं रेकमेंड करता हूँ। DSO आपका हाई होना चाहिए, ये आउटपुट के लिए भी बहुत हेल्पफुल करता है। रेस्ट अगर इसमें आप देखोगे इस पैनल में, तो कॉल साउंड है जो कि बेसिक सेटिंग है कि जब आप कॉल रिसीव आप कर रहे हो, फ़ोन कॉल साउंड वो रिसीव आप कर रहे हो तो उसका आउटपुट कहाँ से आना चाहिए वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फ्रंट फ्रंट रियर एंड ऑल, तो मैंने ये बेसिकली फ्रंट पे ही रखा है। ये मैंने सेटिंग्स मेरे इससे की है, जो मेरा यूसेज है उसके हिसाब से की है। लेकिन मैं ये सेटिंग आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप बेस डाल रहे हो तो आप ये म्यूज़िक सेटिंग आप एक बार करके देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये सेटिंग कैसी लगी। बाकी इस पैनल में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। रियर कैमरा भी है इसमें, जैसे हम रिवर्स रिवर्स डालते हैं तो ये रियर व्यू भी शो कर सकता है। यहीं देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिवर्स भी एकदम क्लियरिटी क्लियर से बता रहा है। आप देख सकते हो कितना एरिया वो कवर कर रहा है। रियर बैक कैमरा भी आप देख सकते हो, इसमें पूरा टोटली कवर हो रहा है। हम देख सकते हैं स्कूटी है मेरे राइट हैंड साइड पे और ये सिग्नल भी देखा, जैसे आप बैक जाओगे ये सिग्नल भी देखा। और यहाँ पे जो है USB है, ऑक्स है, ये हम लगा सकते हैं। एक एक पावर बटन है, इसके साथ एक रिमोट भी आता है और ये होम है। और कॉल्स भी आप आसानी से ले सकते हो। इसका एक मैंने स्पीकर यहाँ पे लगाया है, ये देखिए शायद आपको दिख रहा है, ये स्पीकर है जिससे हम डायरेक्टली फ़ोन पे बात कर सकते हैं। तो गाइज ये XUV1500 है और इसके आगे भी बहुत सारे पैनल्स है, बट इसका आउटपुट मुझे पसंद आया, ऑक्स भी पसंद आया और शायद आपको भी इसका आउटपुट पसंद आया होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।